हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपीएससी रिजल्ट पर। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है और बात करते हैं आपकी दूसरी बात की, कट ऑफ की पॉसिबिलिटी क्या लग रही है एएसआई के बाद में। तीसरी बात, यूपीएसआई री एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि भाई यूपीएसआई री एग्जाम में क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, सब चीज पर हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, आपको एक चीज पता होगी कि अभी आपका एक ट्विटर कैंपेन किया था एग्जाम बोर्ड ने, और अब एक और ट्विटर कैंपेन हो रहा है। ना ही मैंने वो सपोर्ट किया और ना ही मैं इसको कर रहा हूँ सपोर्ट, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्विटर कैंपेन का कुछ फायदा नहीं है। जब फॉर्म नहीं आ रहे थे यूपीएसआई के, हमने बहुत ट्विटर कैंपेन किए, लगातार ट्विटर कैंपेन किए, सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। एग्जाम पूर्ण ने भी करके देख लिया और कोई छोटा मोटा ट्विटर कैंपेन नहीं हुआ था। सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा था ये, जो अभी एग्जाम पूर्ण ने यूपीएसआई रिजल्ट के लिए कराया था, और मिलियंस ट्वीट हुए थे। मिलियंस बहुत, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं 1 मिलियन ट्वीट। तब भी सरकार का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, जो कि मुझे पहले ही पता था कि इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है। आप ट्विटर कैंपेन कितना भी करता रहिए, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों का। और अब तो वैसे भी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं 2024 को, बहुत मतलब बहुत टाइम अभी 2024 को, तो अभी तो सरकार अपने हिसाब से चलेगी। तो बेवजह आपको करना है, ठीक है भाई, आप घर में फ्री है, आपको कुछ काम नहीं है, आप ट्विटर कैंपेन में जाइए, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं होने वाला। उस दिन भी 1 मिलियन के करीब ट्विटर कैंपेन हुए हैं यूपीएसआई रिजल्ट को लेकर, उस पर भी सरकार की कोई ट्विटर, मतलब कोई सरकार क्या, एक अधिकारी की भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं आई। अब बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। देखिए, एक चीज तो मेरे दिमाग में भी खटक रही है, क्योंकि रिजल्ट तो काफी दिन का तैयार है, ये दे क्यों नहीं रहे। अब इसमें अलग अलग तरह से लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है इस वजह से रिजल्ट रोक रखा है, कोई कह रहा है अंदरूनी जांच चल रही है, कोई कह रहा है अंदरूनी जांच चल रही है, कोई कह रहा है कुछ चल रही है। तो ये तो बात मेरे भी दिमाग में खटक रही है, क्योंकि देखिए रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका इलेक्शन से पहले ही तैयार था। ऑनलाइन जो एग्जाम होता है आपका, उसमें रिजल्ट का इतना टाइम नहीं लगता, तुरंत के तुरंत रिजल्ट आपको मिल जाता है, गवर्नमेंट के पास में पूरा डाटा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रिजल्ट इतना लेट क्यों कर रखा है। जो मैंने आपको बताई थी कि अप्रैल एंड में आपके रिजल्ट आने की संभावना है, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लेना, पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आपका अप्रैल के एंड में रिजल्ट आएगा, तो वो एक अलग वो सूचना थी। पर इतना लेट क्या कारण है भाई, क्यों ये इतना लेट कर रहे हैं, अप्रैल के एंड में रिजल्ट दे रहे हैं, इसका कारण मुझे भी नहीं पता चला। अब बहुत से लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि जैसे एएसआई में गई है आपकी कट ऑफ हाई, तो यूपीएसआई में तो और भी ज्यादा कट ऑफ हाई जाएगी। देखिए, कट ऑफ का ऐसा है, मैंने एक कट ऑफ तो आपको बताई थी 105, 125 जनरल, ठीक है, इसमें मैंने कहा था प्लस माइनस 5 कर लो, कि 130 भी जा सकती है, 120 भी जा सकती है। मैंने एक बताई थी आपको 108 जनरल, कि इसमें प्लस माइनस 5 कर लो, और मतलब 5 नीचे चले जाएगी या 5 ऊपर चले जाएगी। अब इसमें से कौन से कट ऑफ सही होने वाली है, क्योंकि ये देखिए, अगर इसमें कुछ ज्यादा, मतलब मैं कह नहीं सकता उस शब्द को, ज्यादा गड़बड़ी या मतलब कुछ भी आप इंडिकेशन ले लीजिए, तो कट ऑफ थोड़ी आई जाएगी या कम जाएगी। इससे कोई, देखिए अभी गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है उसका तो भैया आपको पता है, कोर्ट में केस पड़े हैं दो दो, वो तो एक अलग रूप है। पर जो 125 वाली कट ऑफ मैंने बताई थी कि 130 भी जा सकती है या 120 भी जा सकती है, तो ये भी पॉसिबल लग रही है मुझे तो अब, ठीक है। और ये पॉसिबल जो 108 वाली कट ऑफ है, ये मुझे कम लग रही है, जब से एएसआई का रिजल्ट आया है, जब से एएसआई का रिजल्ट आया तब से मुझे कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि कट ऑफ थोड़ी नॉर्मल जाएगी। कट ऑफ मुझे हाई लग रही है ज्यादा, कि भाई हाई जा सकती है, क्योंकि बच्चे काफी थे। देखिए, 7 लाख बच्चे थे, 7 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था 9,534 पोस्ट के लिए, और 38,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था कुल 1,300 पोस्ट के लिए। तो आप ये देखिए कॉम्पिटिशन किस में ज्यादा है। तो आप इस चीज का देखिए, बहुत से लोग बता रहे हैं आपको यूट्यूब पर कि 90 वाले भी तैयार रहे, 95 वाले भी तैयार रहे। देखिए, वो लॉलीपॉप हमसे हमसे देना नहीं आता, ठीक है ना। मैं आपको सीधा क्लियरिटी बता रहा हूँ कि आप रनिंग की तैयारी कीजिए, रनिंग करोगे आपके कुछ नुकसान तो है नहीं, कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, और अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपका पैसा डूब जाएगा। रनिंग करो यार, हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, तो आप रनिंग करते रहो, वो आपके कोई वो बात नहीं है। पर कट ऑफ थोड़ी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए रिजल्ट जो लेट हो रहा है, पता नहीं भाई इसका कारण, देखो कारण कोई भी नहीं बता सकता आपको पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि ये अंदरूनी बात और बहुत अंदरूनी बात है। रिजल्ट आपका तैयार है, अब इसमें कारण दो हो सकते हैं भाई, जो मुझे लग रहा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, या तो कट ऑफ आई जा रही है इसकी, या फिर इसमें जो है अंदरूनी जांच चल रही है, जांच जांच चल रही है कि भाई इतने इतने नंबर बच्चों के कैसे आगे, और इतने नंबर मतलब इतने नहीं, कुछ ज्यादा ही नंबर आगे बच्चों के। तो अब ये देखिए, इसमें अंदर की बात है, इसमें मुझे कुछ नहीं पॉसिबिलिटी लग रही है फिलहाल। देखो ये है, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ो आप, मैं कह रहा हूँ 100 वाले भी तैयारी करो, 90 वाले भी तैयारी करो, 120 वाले भी तैयारी करो, रनिंग की तैयारी सभी करो,
रनिंग में कोई आपका ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका पैसा, मैं फिर कह रहा हूँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, रनिंग की तैयारी करते रहो जैसा भी कुछ होगा, क्योंकि अब तो काफी कम टाइम लगा है। जो सुनने में आई है बात वो ये है कि भाई अप्रैल एंड तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपने पहले भी ट्विटर कैंपेन किया है 2-3 तारीख को, आप फिर 9 तारीख को कर रहे हो, कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आप खाली बैठे हो घर में, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो ट्वीट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्विटर कैंपेन में ना जाओ, पर मैं बता रहा हूँ कि इसका कुछ फायदा नहीं है, सरकार अपने हिसाब से रिजल्ट देगी, ठीक है। दूसरी बात, ये बात करें इसकी यूपीएसआई री एग्जाम की, देखो भाई मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बता रहा हूँ कि जितने भी याची हैं जिन्होंने अपने जो जो आपके स्कूल ठेकेदार हैं, जिन्होंने आपके एग्जाम पोस्टपोन कराने का ठेका लिया है, या फिर जो भी आपके केस को देख रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, याचियों को कह रहा हूँ कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो पहले बात तो आप जवाब पूछो उनसे कि एक तो अपडेट नहीं आ रही कुछ भी। जैसे आपने बहुत से ग्रुप देखे होंगे, मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लेने वाला कि भाई इस चैनल ने केस डाल रखा है या उस चैनल ने केस डाल रखा है, इस चैनल ने बच्चों से पैसे लिया है या उस चैनल ने बच्चों से पैसे लिए हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप याची हो, कम से कम एटलीस्ट उनसे पूछिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूँ। और जो आपने देखा होगा चेहर वाली या फिर जो आपकी खरे वाली, इन रिटों का चेहर वाली आपको पता है इसका तो मेरिट्स के आधार पर रद्द होने मतलब हो ही चुका है। वैसे तो अभी चांस है ये 10-5% की इसमें कुछ है अभी, बट जहां तक है ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे ही खरे वाली कि भाई कम से कम आपने, जहां मैं याचियों को ही कह रहा हूँ कि कम से कम आपने पैसा दिया है तो जिसको भी आपने पैसा दिया है कम से कम उससे आप ये तो पूछे कि भाई इस केस में चल क्या रहा है, आप किस हिसाब से इस केस को लेके जा रहे हो, मतलब कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो हमें बताओ। तो वो जितने भी याची हैं आप कम से कम एक मैसेज डालें कि सर इसमें ये बता दो कि भाई इसमें क्या चल रहा है, मैंने भी कोशिश करी अपने स्तर पर जानने की पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, समझ रहे हो। तो क्योंकि भाई मैं तो याची हूं नहीं, अब जो भी याची हैं जिन्होंने भी पैसे दिए हैं कम से कम पूछिए कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से ना कोई अपडेट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट जो याची हैं उनको तो पता होना चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस केस में। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो देखिए अभी इसमें क्या है, री एग्जाम की जो मुझे मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि 50-50 है, 50-50 है कि भाई री एग्जाम होगा नहीं होगा। री एग्जाम तो बहुत बड़ी बात की बात है, अगर कोर्ट जांच के भी आदेश दे दे तो बहुत सहूलियत मिल जाएगी उन लोगों को जो केस लड़ रहे हैं री एग्जाम के खिलाफ, मतलब जो है उन जिन लोगों का मानना है कि भाई इस भर्ती में धांधली हुई है, सबका संवैधानिक अधिकार है, वो कोर्ट गए हैं। पर जो मुझे लग रहा है फिलहाल अब कि भाई कोर्ट केस से भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि अच्छे से कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो आपके वकील हैं या फिर जो आपके वकील हैं या फिर जो आपको फॉलो अप करने वाले लोग हैं उन्होंने अच्छे से गाइड गाइड नहीं किया एक दूसरे को, समझ रहे हो। अब मैं पूरी बात यहाँ पर नहीं कह सकता क्योंकि भाई मेरा हक भी नहीं बनता कहने का, पर जो याची है कम से कम उनको ये बात उन लोगों को कहनी चाहिए कि भाई आप किस तरीके से वकील को गाइड कर रहे हो, किस तरीके से आप लेके चल रहे हो इस केस को, तो आप उनसे बात करो। जो मुझे लगता है, जो मैं दूर दूर से देख के बता सकता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मिसगाइड हुआ है मामला, कि कम से कम जो आपका वकील है उसको आपको अच्छे से गाइड करना था। अभी देखिए खरे साहब की एक रैली है लास्ट, मुझे लग रहा है कि इस हियरिंग पर जो हियरिंग होने वाली है खरे सर की, उसमें लास्ट फाइनल हो जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। मुझे जो चांसेस लग रहे हैं मुझे ये है कि री एग्जाम वी एग्जाम कुछ नहीं होने वाला, ये जो ऑलमोस्ट है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा पहले ही बता रहा हूँ, पर मुझे जो लग रहा है कि ये केस ही खत्म होगा ये वाला भी, इस भर्ती में कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। और कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, अब आप डबल बेंच से आप वहां जाओ, सुबह हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब सिंगल से आप डबल जाओ, डबल से आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो ये सब फालतू की बातें हैं, आपको बस यहीं तक देखना है, होगा होगा वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे जो तो लग रहा है, मुझे री एग्जाम का थोड़ा सा अब कम चांसेस लग रहे हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में जब केस डाला था तब मैंने कहा था 50-50 है, क्योंकि न्यायालय में बात जा चुकी है, आप क्या करोगे। पर आप देख के जो मुझे लग रहा है कि भाई री एग्जाम की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है कि इसमें कुछ होगा। मुझे लग रहा है कि जो खरे सर की जो अब डेट होने वाली है लास्ट ही है इसमें, मतलब जैसे ये चहल वाली जो आपकी रिट थी इसमें जो आपका केस डिसमिस ऑन मेरिट्स ऐसा लिखा रहा है आपका भी ये भी हो जाएगा, तो अब देखने वाली बात होगी। तो भैया अब जो है ये जो लास्ट है ना आपकी खरे सर की, तो कम से कम जितने लोग आती हैं खरे सर से जाके मिलो कि भैया ऐसे ऐसे है, अपने हिसाब से थोड़ा सा उनको गाइड करो कि भाई हाँ जो जो चहल वाली याचिका है उन वाले बच्चों से बात करो कि आपकी जो कमी है वो कहाँ रही है। जो मेरी बात हुई है उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा वकील थोड़ा सा मतलब उन्होंने ऐसे ही बताया मुझे, तो अब उनसे बात करके आप डायरेक्ट आप जाके खरे सर से मिलो और जो कमी आपकी इस वाली डेट में रही है उस कमी को पूरी करो, क्योंकि ये लास्ट है आपका जो री एग्जाम की तैयारी, जो री एग्जाम की लड़ाई लड़ रहे हैं,
क्योंकि इस जो फाइन अब जो इस बार डेट लगेगी फ्रेशर की, ये लास्ट है, इसमें आपका खत्म हो लेगा या फिर आप जीत जाओगे, जो भी होगा। ठीक है, तो री एग्जाम की पॉसिबिलिटी मैं बताऊं तो अपने मन से मुझे बहुत कम लग रही है। अब ये आप जो भी याची हैं, जितने भी आप याची हैं, ये आपके ऊपर बात है कि आप इस पॉसिबिलिटी को कितना बढ़ाते हैं। और पॉसिबिलिटी जब ही बढ़ेगी जब आप जवाब मांगोगे दूसरे से, जिसको आपने पैसा दिया है या फिर जिसने आपको जो आपने वकील किया, कम से कम एटलीस्ट बात तो करो जाकर वकील से कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अपडेट रहो, थोड़ा सा अपने मेंटोर करो, थोड़ा सा मेंटोर कि भाई हाँ ये है वो है। तो ये री एग्जाम की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। और फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट जो है आपका एंड में आने की चांसेस है अप्रैल के ही आ जाए, और जो कारण है कारण भी मुझे नहीं पता। ईमानदारी से मैं खुश हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि इतना समय क्यों लग रहा है रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका तैयार है। अब रिजल्ट दे क्यों नहीं रही है सरकार, ये सोचने वाली बात है क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट। अब कारण यूट्यूब पर आप अन्य बहुत से लोग मिले, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, पर हाँ ये है कि ये भर्ती क्लियर होगी, आप परेशान मत हो। योगी 2.0 सरकार आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि सरकार अच्छे से काम करेगी। अभी फिलहाल आपको पता है एक कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है, अभी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी का टेंडर वगैरह ये फाइनल हो जाएगा अप्रैल में, जो सुनने में आ रही है बात। और एक एसआई की वैकेंसी है, जो इन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा रही थी कि 850 पदों पर एसआई की वैकेंसी एक नहीं आएगी, ये मैक्सिमम जो सुनने में आ रहा है कि 3,000 पदों पर होकर आएगी, 850 नहीं। तो 3,000 पदों की जहां तक उम्मीद है, ये मतलब ये मेरा सोर्स है, जो 850 की आपने अखबार में पढ़ी थी, ये मेरा सोर्स है कि 850 नहीं है, कम से कम 3,000 वैकेंसी आ सकती है, वो इसी साल आ सकती है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अगस्त सितंबर तक आपको इसमें कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। कॉन्स्टेबल की तो आपकी 100% आ ही रही है, और जो 850 पद है नई भर्ती एसआई की, ये बढ़कर 3,000 पदों पर दोबारा से एक नई वैकेंसी आ रही है, ये 2024 को टारगेट करते हुए। और इससे पहले आपका जो है 9,534 है, इसकी जहां तक है पूरी की पूरी प्रक्रिया, रनिंग वगैरह, डीबीपीएसटी, मेडिकल वगैरह सब हो जाएगा। मेरे हिसाब से नवंबर तक, नवंबर दिसंबर तक आपका पहला बैच जो 9,534 का है ट्रेनिंग पर चला जाना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल रिजल्ट है, रिजल्ट देखते हैं, अप्रैल एंड तक की बात है, 15-20 अप्रैल तक रुको, रिजल्ट देखो, रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा अप्रैल के महीने में, इस महीने तो आपका जरूर रिजल्ट आएगा। आप परेशान मत हो कि आप टेलीग्राम पर लगे हो, व्हाट्सएप पर लगे हो कि रिजल्ट कब रिजल्ट कब, रिजल्ट आपका इसी महीने अप्रैल में आएगा। ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे हो आप, ठीक है आपकी मर्जी है, पर मुझे नहीं लगता कि ट्विटर कैंपेन से कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि हमने फॉर्म के समय भी ट्विटर कैंपेन करके देखा है, सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। अभी एग्जामपुर वालों ने किया था ट्विटर कैंपेन, तब भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया, तो ये सब स्वाभाविक सी बात है। अब मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता ये सब। ठीक है, इन दैन बस मैं आपसे यही कहूंगा, जो री एग्जाम वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा भैया जो आपके जो आप जिन्होंने आप थोड़ा सा जवाब मांगो, ठीक है कि भाई क्या चल रहा है, किस में क्या नहीं चल रहा है, और जो चहल वाली जो रिट है उन बच्चों से बात करो कि जो आपके केस में जो गड़बड़ हुई है वो किस कारण हुई है, कम से कम वो कारण आप जान लोगे तो अपना केस स्ट्रोंग कर लोगे। लास्ट डेट है आपकी बस 1 तारीख लगेगी, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके साथ में क्या होने वाला है। तो जो ये लास्ट तारीख आपकी लगने वाली है खरे सर की डेट की, इसको अच्छे से लड़ लोगे तो आपका कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं। ठीक है, बस यही है, कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मैं फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ की कि लो जाएगी हाई जाएगी, फालतू के चक्करों में ना पड़ो। ठीक है, आप 90 वाला भी रनिंग करो, 120 वाला भी रनिंग करो, क्योंकि रनिंग करने से कोई नुकसान तो आपका है नहीं, भगवान करे 90 वाले का भी नंबर आ जाए और 120 वाले का भी आ जाए, किसी का कुछ नहीं पता। और इन द एंड बस इतना कहूंगा, रनिंग की तैयारी करते रहो, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है आपका, परेशान मत हो बिल्कुल भी, चुपचाप अपना रनिंग की तैयारी करते रहो, जो आपके हाथ में है फिलहाल रनिंग है, रनिंग करते रहो, और जैसे भी कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।